खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज खबरें अब तक में बात होगी सरकारी नौकरी करने वालों की नई पेंशन स्कीम की, पन्ना में विकास को तरसते एक गांव की, और आखिरकार महिलाओं को लेकर दिए गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बयान की। इसके अलावा आज क्या कुछ हुआ खास और कौन सी खबरें रही चर्चा का विषय वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस पर डाल लेते हैं नजर। एयरक्राफ्ट कैरियर की फौज पर इतरा रहा चीन, अब होगी ड्रैगन की बोलती बंद, नेवी ने तैयार किया सब मरीन प्लान। चीनी नौसेना नंबर के हिसाब से दुनिया पर सबसे बड़ी है और ये तेजी से अपना आकार बढ़ा रही है। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर उसके पास मौजूद है और वो चौथे सुपर कैरियर की तैयारी कर चुका है। ऐसे में एयरक्राफ्ट कैरियर और वॉरशिप का सबसे बड़ा किलर यानी कि सबमरीन की ताकत भारतीय नौसेना युद्ध स्तर पर बढ़ा रही है। मुद्रा मामले में राज्यपाल गहलोत के आदेश का विरोध करेंगे कांग्रेस विधायक, राष्ट्रपति से करेंगे मुलाकात। कर्नाटक में मुद्रा जमीन आवंटन घोटाले में सीएम सिद्धरमैया को राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही उनके खिलाफ जांच शुरू करने और मुकदमा चलाने की मंजूरी दी थी। यूपी बिहार समेत 10 राज्यों में बनेगी 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई बड़े और अहम फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में केंद्रीय मंत्री अश्विन वैष्णव ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत देश के 10 राज्यों में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी को मंजूरी दी गई है। आरएसएस प्रमुख को मिलेगी Z+ से तगड़ी सिक्योरिटी लेयर। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को तगड़ा इजाफा हुआ है। उन्हें पीएम जैसी सिक्योरिटी देने का प्रयास किया जा रहा है। जब उन्हें Z+ से बड़ी सुरक्षा देने की बात हो रही थी तब गृह मंत्रालय ने समीक्षा बैठक में तय किया कि उनकी सुरक्षा Z+ से भी ज्यादा होगी। सेंसेक्स लगातार 7वें दिन हरे निशान पर हुआ बंद, निफ्टी भी 25,050 के ऊपर बंद होने में सफल। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स तकरीबन 73 अंक मजबूत होकर 81,785 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 34 अंकों की बढ़त के साथ लगभग 25,052 पर बंद हुआ। हेडलाइंस के बाद स्वागत है आपका। बात होगी आगे खास मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले जरा आज की वायरल होती वीडियो से आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल समाज में चल रही बुराइयों या गलत चीज़ों को लेकर अक्सर लोग प्रदर्शन करते नजर आते हैं। कई बार कुछ प्रदर्शन अपने अनोखे अंदाज के लिए फेमस हो जाता है। कुछ ऐसा ही वायरल हुए इस वीडियो में भी देखने को मिल रहा है, जिसमें यमराज खुद पृथ्वी पर आ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कर्नाटक में उडुपी के सड़कों पर बने गड्ढों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया, जिसे देख आप भी चौंक जाएंगे। देखिए ये वीडियो। फोटो तो देखा कैसे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में यमराज जी भूतों की लॉन्ग जंप प्रतियोगिता कराते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान नाप लेने के लिए चित्रगुप्त भी उनके साथ नजर आ रहे हैं। सरकार को जगाने और गड्ढों को भरने को लेकर ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें ये लोग यमराज, चित्रगुप्त और भूतों के गेटअप में नजर आए। इनके प्रदर्शन करने का तरीका भी बेहद अनोखा लग रहा है, जो लोगों को पसंद आ रहा है। हालांकि इस आयोजन के बाद सरकार की आंखें कितनी खुलेंगी ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर। जीवन यापन के लिए पैसा बहुत जरूरी चीज है। भारत जैसे देश में सरकारी नौकरी हर कोई करना चाहता है,
क्योंकि जहां सरकारी नौकरी में स्टेबिलिटी है, वहीं सरकारी नौकरी में कई ऐसी सुविधाएं भी हैं जिनका लाभ हर कोई चाहता है। हालांकि बीते कुछ सालों से सरकारी नौकरी में पेंशन को लेकर कुछ समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। पेंशन के लिए जो योजना सरकार के पास पहले थी वो अब नहीं है। फिलहाल सरकार न्यू पेंशन योजना के तहत लोगों को पेंशन दे रही है, जिसमें फिक्स पेंशन लोगों को नहीं मिलती, लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली की मांग सालों से की जा रही है। अब इसी मांग को ध्यान में रखकर सरकार ला रही है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। हालांकि अब इसका कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं और सरकार इस नई स्कीम को क्यों ला रही है, आपको इसका क्या फायदा और क्या खामियाजा होगा, चलिए सब कुछ बताते हैं डिटेल में। सरकारी नौकरी और पेंशन का पुराना नाता है। हालांकि 2004 के बाद सरकारी नौकरी पाने वालों को पेंशन का वो लाभ नहीं मिल पाता जो पहले मिला करता था। पेंशन के नाम पर उनको एनपीएस मिलता है, जिसका कुछ शेयर खुद नौकरी करने वाले लोगों को शेयर करना पड़ता है। हालांकि लोगों की पुरानी पेंशन की मांग को ध्यान में रखकर सरकार ने कुछ नया करने की कोशिश जरूर की है, और वो नया है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसे सरकार अगले साल से लागू करने जा रही है। अब ये क्या है, कैसे काम करेगी, चलिए बताते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन स्कीम है। यूपीएस के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को एक निश्चित पेंशन मिलेगी। अब तक केंद्रीय कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस का प्रावधान था, लेकिन इसमें फिक्स पेंशन नहीं मिलती थी, इसलिए एनपीएस का लंबे समय से विरोध हो रहा था और इसमें बदलाव की मांग उठ रही थी। एक वर्ग जनवरी 2004 में खत्म ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा वापस लाने की मांग कर रहा था, जिसमें निश्चित पेंशन मिला करती थी। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या नया है? यूपीएस के तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को तय पेंशन मिलेगी। केंद्रीय कर्मचारियों को उसके रिटायरमेंट से पहले के 12 महीने की बेसिक सैलरी का 50% पेंशन के तौर पर मिलेगा। उदाहरण के तौर पर किसी की आखिरी सैलरी 60,000 थी तो उसे 30,000 पेंशन मिलेगी। हालांकि इसके लिए 25 साल की न्यूनतम सेवा जरूरी है। अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिल रही है और उसकी मौत हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा मिलेगा। यदि किसी कर्मचारी को 10,000 रुपए पेंशन मिल रही है और उसका निधन हो जाता है तो परिवार को 6,000 रुपए पेंशन मिलेगी। अगर किसी कर्मचारी की सेवा 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा है तो भी उसे मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। केंद्र सरकार के मुताबिक यूपीएस का लाभ उन केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा जो 2004 के बाद से एनपीएस में कवर्ड थे और रिटायर्ड हो चुके हैं। अब ये तो हुए वो फायदे और नियम जो सरकार गिना रही है। अब लोग इसका विरोध क्यों कर रहे हैं ये भी बता देते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम से असहमति जताने वाले एम्प्लॉय यूनियन कई दलीलें दे रहे हैं। जैसे अभी न्यू पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में 10% अंशदान कर्मचारी देता है और 14% सरकार। आखिर में रिटायरमेंट के वक्त दोनों को मिलाकर जो पैसा होता है उसका 60% कर्मचारी को लौटा दिया जाता है, बाकी 40% पेंशन प्लान में जाता है। अब यूपीएस में भी कर्मचारियों को 10% अंशदान देना होगा। इसका मतलब यह है कि सरकार कर्मचारी का पैसा तो अपने पास रखेगी ही, अपना अंशदान भी अपने पास रखेगी। देखा जाए तो एनपीएस में बदलाव की सरकार की योजना कई गैर बीजेपी राज्यों द्वारा डीए से जुड़ी पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने के फैसले और कुछ अन्य राज्यों में कर्मचारी संगठनों द्वारा इसकी मांग उठाए जाने के बाद आई है। ऐसे में जहां बहुत से लोग इसके फेवर में हैं तो बहुत से लोगों को इस स्कीम से परेशानी भी है। इसी के साथ वक्त हो गया है अगली रिपोर्ट की ओर रुख करने का। एक तरफ सरकार गांव को शहर व नगर से जोड़ने के लिए तमाम योजना बनाकर ऐसे गांव के विकास के लिए पैसा बहा रही है, वहीं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की बेरुखी के चलते कई गांव की तरफ किसी ने आज तक विकास के नाम पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिस कारण कई गांव का विकास नहीं हो सका। भाजपा सरकार में विकास का दावा पन्ने पर ही रह गया, जिसका उदाहरण आज हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट और जानिए कैसे 5G के युग में भी गांव में कैसे करना पड़ता है लोगों को गुजारा। बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जिला है पन्ना।
जहां पंचायत अंतर्गत ग्राम पंचायत खजरी कुडार के माजरा कोतवाली पुरवा में सड़क ना होने की वजह से ग्रामवासी गर्भवती महिलाओं बीमार बुजुर्गों को खाट पर गांव से मुख्य मार्ग तक ले जाने को मजबूर हैं। दरअसल मामला जिला मुख्यालय पन्ना से लगभग 10 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत कुडार के मजरा कोतवाली पुर का है, जहां आजादी के 78 सालों बाद भी कोई रास्ता नहीं मिल सका। एक तरफ पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन का घना जंगल और दूसरी तरफ निजी भूमि लगी हुई है, जिससे यहां के लोगों को खेतों की मेड़ से आवागमन करने को मजबूर होना पड़ता है। हमारे यहाँ ये कहा हम अपनी दादी को लेकर जा रहे हैं अभी खटिया में, बहुत परेशानी हम लोग सर यहाँ पर कोतवाली मोहल्ला से बहुत परेशानी है। चाचा चाची भी खत्म हो गए, दादा भी ऐसे ही खत्म हो गए खटिया में ले जा करके। अब जे कहा बारी लगी सर, हमको रास्ता नहीं निकालने के लिए, साइकिल नहीं निकाल पाते बच्चे अगर स्कूल के लिए जाते तो। कैसे ले जाते हो फिर? बस सर ऐसे ही खटिया में, या फिर हम वो बच्चन को आते हैं पढ़ाने के लिए तो ये तो जीरा निकालने आता है साइकिल से। क्या चाहते हैं आप लोग? सर यहाँ की रोड चाहते हैं हम। क्या नाम है आपका? राम सेवक बंसकार, कोतवालीपुर। ग्रामवासी मीराबाई बंशकार ने बताया कि गांव के लिए कोई रास्ता नहीं है, इसलिए खेतों की मेड़ से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के दिनों में खेतों में फसलों की सुरक्षा हेतु बाढ़ लग जाने एवं कीचड़ की वजह से आवागमन में कठिनाई कई गुना बढ़ जाती है। बरसात में बीमार होने पर अस्पताल नहीं पहुंच पाने से यहाँ के कई लोगों की मौत हो चुकी है। मरीजों को कैसे यहाँ से ले जाते हैं? अब यही है सर, खटिया पर रख के ले जाओ, जब गांव के बाहर लेके जाओ, जब उधर से फिर ऑटो करो, फिर उधर से फिर बाहर ले जाके फिर जाके पन्ना ले जाओ। कब से परेशान है आप? आज कम से कम 5-6 साल हो गए परेशान होते होते, अभी बना ही नहीं रहे, रोटी नहीं बना दे रहे। दादाजी खत्म हमारे हो गए, बड़े जेठ हमारे खत्म हो गए, ससुर हमारे ऐसे खत्म हो गए। यही ले जाओ, ले जाओ खटिया में लेटाना, फिर उधर जाके पन्ना तक गाँव तक ले जाओ, फिर गांव से दो पन्ना तक ले जाओ, फिर आगे साधन मिलेगा तो मिल गया तो ठीक, नहीं तो इसमें मरीज चला गया तो कोई कहने की बात ही नहीं है, तो उसका कौन है संभालने वाला। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे इधर से गांव से लेके हमें उधर तक हमें रोड दिया जाए। क्या नाम है आपका? मीरा। कहाँ से है? हम दीखा जी कुड़ार से हैं, कोतवालीपुर। आपको बता दें कि यहाँ 5वीं तक स्कूल है, आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को इन्हीं खतरे के मार्गों से आवागमन करना पड़ता है। बरसात के 4 माह बच्चे स्कूल नहीं जा पाते और गांव के प्राइमरी स्कूल में शिक्षक एवं शिक्षिकाएं भी मुश्किलों में पहुंच पाते हैं। हाल ही में गोरेलाल बंशकार ने बताया कि उसकी मां बीमार है, हालत बिगड़ने पर खाट में लिटाकर लगभग 1.5 किलोमीटर दूर मुख्य मार्ग तक पहुंचाकर किसी वाहन की व्यवस्था से जिला अस्पताल पहुँचाया गया। ग्रामीणों ने बताया कि पट्टे की जमीन होने से सड़क नहीं बन पा रही है और इसी वजह से 2 बस्तियों के लोगों को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। लोगों की मांग है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर रास्ते के लिए जमीन की व्यवस्था कर सड़क का निर्माण करवाए, ताकि यहां के लोगों की समस्या हल हो सके। ले जा रहे श्रीमान जी, और यहाँ पर हमको बड़ी दिक्कत है, हम खजी कुड़ार ग्राम पंचायत कुड़ार से हैं, मोहल्ला हमारा कोतवालीपुर हरजन बस्ती है, हम बंशकार समाज के हैं। ना यहाँ का कोई मंत्री मिनिस्टर हमारी कोई सुनता है, सुनाई नहीं आती है, ना कोई देखता है कि ये लोग कैसे भी स्थिति में गुजर रहे हैं। हमारी माता राम आज 10 दिन से लेटी हुई, हम घर में दवाई करवा कर डॉक्टर को बुलाते तो भी कहते यहाँ रास्ता नहीं, हम कैसे आए, और हमारी इतनी स्थिति खराब है। हमारी माँ बहनें कोई गर्भवती हो जाती हैं तो एम्बुलेंस यहाँ पर नहीं पहुँच पाता ही समय से। श्रीमान जी से, सबसे कलेक्टर साहब से निवेदन करते, आपत्कारों जी से निवेदन करते हैं, सरपंच सेक्रेटरी साहब से निवेदन करते कि श्रीमान जी हमें इतनी रास्ता दी जाए कि हम रात बरात गाड़ी लेकर कोई मरीज आदमी को पन्ना और चिकित्सालय में भर्ती करा सकें। ऐसे हमारे बच्चे सही ढंग से ना पढ़ पाते हैं, ना कोई यहाँ सुविधाएँ असुविधा है। यहाँ के जो टीचर भी पन्ना से आते तो बेचारे लेडीज वगैरह आती, उनको भी दिक्कत होती है, बच्चों को भी पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। कहाँ से आए छोटे छोटे बच्चे, अगर पढ़ाने स्कूल ले जाते तो उनको टांग है रोज ले जाए, मजदूर आदमी मजदूरी करें कि बच्चों को स्कूल छोड़े के क्या करें। श्रीमान जी से यही निवेदन है, कलेक्टर महोदय से, सरपंच महोदय से, सचिव महोदय से, यहाँ के सब पंचायत विधायकों जी से, तो हमारी रोड पहले शिकायत की है, एक दो बार मीडिया वालों को बताया है श्रीमान जी और पंच मंत्री साहब से भी बोला, कोई हमारी हरजन आदमी बंशकारों की कोई सुनाई नहीं की गई, किसी ने नहीं हमारी सुनी गई।
ना अगर प्रस्ताव दिया तो कहते सेक्रेटरी साहब बोलते उनकी फलाने की जमीन है ढकाने, हमें किसी से जमीन से नहीं, हमें रास्ता निकलने के लिए दे दी जाए तो हमारी, तो ताकि हम वाहन अपना आ सकें और ले जा सकें, दो पहिया वाहन है या साइकिल है। अब ये है हमारी मात्रा, हम चार पाई में हम लेके जा रहे हैं, कैसे ले जाएं, बारिश का टाइम है, कच्ची रास्ता है, निकलने में मुश्किल है, कीड़ा पतंगे अलग हैं। श्रीमान जी से यही निवेदन है हमारा सबसे कि हमारी रोड बनवाने की कृपा करें आपका। गोरीलाल वंशकार, खजीकवा, कोतवालीपुर वंशकार। हालांकि इस पूरे मामले में जब जिला पंचायत सीईओ संघ प्रेस से बात की गई तो उनका कहना था कि आपके माध्यम से मामला संज्ञान में आया है, अधिकारियों को भेजकर मौके का निरीक्षण करवाया जाएगा और यदि निजी भूमि है तो दान करवाकर जल्द से जल्द ग्रामीणों के लिए सड़क की व्यवस्था की जाएगी। आपके माध्यम से ये जो सड़क नहीं होने का मामला संज्ञान खजरी कुडार पंचायत में आया है, इसकी अधिकारियों को भेजकर, इंजीनियर को भेजकर जाँच करी जाएगी मौके की और वहाँ देखा जाएगा कि क्या वहाँ पर शासकीय भूमि से रास्ता उपलब्ध है। यदि निजी भूमि से है तो वहाँ पर निजी भूमि से दान पत्र कराया जाकर फिर शासन के निर्देशों के अनुक्रम में जो बजट है हमारे पास जो मनरेगा के अंतर्गत और अन्य योजना में, तो उसके अनुसार एक जांच करके उसमें निश्चित ही शीघ्रता से रोड बनाने की कार्यवाही करी जाएगी। देखा जाए तो एक तरफ भारत विश्व गुरु बनने की कगार पर बात करता है तो वहीं दूसरी ओर एक गाँव की हालत ऐसी है कि एम्बुलेंस तक नहीं जा सकती। ये कैसा विकास है, ये सोचने वाली बात है। अफसोस है कि आज भी ऐसे गांव हैं इस देश में जहां आज भी लोग नरकीय जीवन जीने पर मजबूर हैं, जहां बाशिंदे विकास को तरस गए हैं लेकिन किसी जनप्रतिनिधियों ने गांव के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण आज भी विकास की राह ताक रहे हैं। देश में बेटियों के साथ हो रहे जघन्य अपराध पर आखिरकार हमारी देश की राष्ट्रपति का दर्द सामने आ ही गया। अभी तक तो सभी उनको भी कोस रहे थे कि कैसे एक महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद देश में महिलाओं का हाल इतना बुरा है, लेकिन अब राष्ट्रपति मुर्मू ने भी महिलाओं के मुद्दे पर अपनी बात रखी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए बलात्कार और हत्या की घटना पर दुख और गुस्सा जताया है। उन्होंने कहा कि वो इस घटना से स्तब्ध और भयभीत है। राष्ट्रपति ने महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता जताते हुए कहा कि अब बहुत हो गया, एक सभ्य समाज अपनी बेटियों और बहनों के साथ ऐसी बर्बरता बर्दाश्त तो नहीं कर सकता। उन्होंने निर्भया कांड का जिक्र करते हुए कहा कि पिछले 12 सालों में ऐसी अनगिनत बलात्कार हुए हैं जिन्हें समाज भूल चुका है। राष्ट्रपति ने इसे सामूहिक भूलने की बीमारी बताया और कहा कि ये बेहद निंदनीय है। अब ऐसे में राष्ट्रपति के इस बयान के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे पर मुर्मू अलग राय रखती हैं, लेकिन सरकार में रहते हुए वो इस मुद्दे पर अलग विचार के साथ अलग कदम कैसे उठा पाती हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि इस देश में बेटियों के साथ चाहे कुछ हो जाए लेकिन इस देश के उच्च आसन पर बैठे लोग मुंह नहीं खोलते हैं, जिसकी वजह से बेटियों के हालातों में कोई परिवर्तन नहीं आया है। अगर देश के प्रधान ही बेटियों के बारे में सोच लें तो आधी परेशानियों का अंत जरूर मिल जाएगा। फिलहाल ये तो थी खबरें अब तक की खास खबरें, लेकिन इसके अलावा आज क्या कुछ हुआ खास वो भी बता देते हैं। जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने 17 उम्मीदवारों की सूची जारी की है, जिसमें ईदगाह विधानसभा क्षेत्र से मोहम्मद खुर्शीद आलम, गांदरबल से बशीर अहमद मीर, नौशेरा से हकनवास को चुनाव मैदान में उतारा है। वहीं आज यौन उत्पीड़न के आरोपों की बाढ़ से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री यानी कि मॉलीवुड में भूचाल आ गया है। यौन उत्पीड़न के मामले में अब तक 17 मामले दर्ज किए गए हैं। आरोपों के बीच मलयालम मूवी आर्टिस्ट की एसोसिएशन AMMA को भी भंग कर दिया गया है। पुलिस आरोपों को लेकर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के कई फिल्मी सितारों और फिल्म निर्माताओं से पूछताछ कर सकती है। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ अलीगढ़ के खैर में पहुंचे। यहां सोमना रोड स्थित गुरुकुल पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम स्थल पर रोजगार मेले का उद्घाटन किया, साथ ही लोन वितरण टैबलेट व स्मार्टफोन का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस और सपा में जिन्ना की आत्मा घुस गई है, जिन्ना ने देश को बांटने का काम किया था, सपा कांग्रेस समाज को धर्म जाति के नाम पर बांटने और तोड़ने का कार्य कर रहे हैं, लेकिन मोदी के नेतृत्व में इनके मंसूबों को पूरा नहीं होने दिया जाएगा।
वहीं केंद्र सरकार में मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान एक बार फिर एनडीए से अलग ट्रैक पर नजर आ रहे हैं। चिराग पासवान ने जातिगत जनगणना पर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि हम चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। चार बार एनडीए से अलग स्टैंड लेते दिखे चिराग, बल्कि बीते दिनों उन्होंने लेटरल एंट्री वाले मामलों पर मुखर विरोध जताया था। ऐसे में बिहार में चिराग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। विपक्ष की पार्टी आरजेडी ने चिराग पासवान के अलग रुख पर ताजा बयान जारी किया है। फिलहाल इसी के साथ मुझे दे इजाजत, जाते जाते आपसे एक बात जरूर करेंगे। आज राष्ट्रपति मुर्मू ने भले ही बेटियों की सुध लेने की बात कही हो, मगर हालात इतने खराब हो चुके हैं कि इससे पार पाना मुश्किल हो गया है। आजकल बेटियों के माता पिता के लिए बहुत ज्यादा चिंता का दौर चल रहा है। वो जमाना चला गया जब माँ बचपन में बेटियों को बताती थी कि चांद में परियां रहती हैं, क्योंकि आज कोई परी उनकी बेटी को बचाने नहीं आती है। कोलकाता में जो हुआ ये तो बड़े मामले हैं, और भी देश के कई शहरों कस्बों में क्या हो रहा है किसी ने सोचा है? कोई तो बताए कि ये और कितनी रातों तक कितनी रूहों को निगलते रहेंगे, जलाते फूंकते रहेंगे। इन क्रूर और पिशाची घटनाक्रमों के बाद आंखों के नीचे पानी के कुछ कतरे रख लेने भर से अब कुछ नहीं होने वाला। इस अध्याय का कोई तो समाधान खोजना ही होगा, चाहे वो कड़े कानून के दौर पर हो, चाहे कड़ी और त्वरित या तुरंत सजा के रूप में हो। आखिर इस अनाचार का कोई तो अंत होना ही चाहिए। ऐसी घटनाओं को देख सुनकर करोड़ों माएं, बच्चियां और लड़कियां आखिर कब तक खुद को लज्जित महसूस करती रहेंगी? इसलिए जरूरी है कि अब इन अपराधों पर लगाम लगे। फिलहाल इसी के साथ आपको छोड़कर जाएंगे आज के सुविचार के साथ। आज का दिन कुछ खास लाएगा, यही सोचकर मुस्कुराओ, आशाओं को पंख लगाओ।